नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉप इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े। और रुक करते खास खबरों की ओर। झारखंड राज्य के तमाड़ में जिस नाबालिग युवती की बेरहमी से हत्या की गई, हत्याकांड का खुलासा करते हुए 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई। लेकिन एक सवाल अब भी लोगों के जहन में चल रहा है, 5 अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद एक अपराधी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। अब देखने वाली बात यह है कि एक अपराधी को पुलिस कितने दिनों के अंतराल में गिरफ्तार कर पाएगी। 5 परगना क्षेत्र से देखिए संवाददाता जगतपाल की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉप इंडिया, मैं हूं जगतपाल। भले ही तमाड़ का जो एक आग लगती हुई तमाड़ का जो घटना था, कुछ पल के लिए विराम हुआ है, कुछ पल के लिए शांत हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल इस घटना के पीछे छोड़ गया है। हम सब इस घटना के पीछे, पूरी जनता जानने के लिए बेकरार है कि आखिर 5 अपराधी जिसका नाम विकास लोहरा, कृष्ण कुमार सहदेव, संगम लोहरा, अजय राय, राहुल सेठ, ये 5 अपराधी पकड़े गए हैं, लेकिन एक अपराधी अभी तक पुलिस के चंगुल से दूर है, पुलिस के गिरफ्तारी से दूर है। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस प्रशासन की जिस मुस्तैदी का उन्होंने परिचय दिया, जनप्रतिनिधि, सारे लोग, जनप्रतिनिधि के अलावा पूरा ग्रामीण, जिस मासूम की जान गई जिसका नाम है सपना कुमारी, तालाब के अंदर में लाश पड़ी थी और मासूम की हत्या हुई, और निश्चित रूप से ये जो लोग भी अपराधी थे वो अपराधी पकड़े गए आज, लेकिन बावजूद भी वो एक अपराधी अभी तक पुलिस के चंगुल से दूर है। आज पुलिस के पास बहुत सारे ऐसे तंत्र है, खुफिया तंत्र है, जिससे वो उसको पकड़ सकती है, लेकिन आज वो उसे दूर है। क्या एक बार जिस प्रकार का माहौल गर्म हुआ था, जिसमें सारे लोग, पूरे क्षेत्र के लोग, यहां तक कि तमाड़ को भी एक दिन बंद किया गया था, जनप्रतिनिधि, समाज के सचेतक, अलग अलग समाज के विभाग के अलग अलग लोग, एक बार जिस प्रकार का एक माहौल बना था, इस जो घटना के ऊपर में जो लोग आरोपी थे उनको पकड़ने के लिए, तो क्या केवल एक अपराधी को पकड़ने के लिए क्या पुनः वो सब करना पड़ेगा जिसका नाम है तूफान खान? आप समझ सकते हैं कि अगर फिर से पुलिस तंत्र को इतना सारा काम करने के लिए वो सब करना पड़ेगा ग्रामीणों को, तो ये पुलिस का तंत्र जो आज के तारीख में पूरे क्षेत्र में खुफिया की तरह काम करती है, एसपीओ लोग काम करते हैं, पुलिस के तंत्र में सपोर्ट करने के लिए काम करते हैं, उसके बावजूद भी आज वो अपराधी दूर है। ये बहुत बड़ा सवाल लोगों के मन में यही है कि आखिर वो कब तक वो अपराधी जो एक बचा हुआ पकड़ा जाएगा। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उस अपराधी को कब पुलिस पकड़ेगी। निश्चित रूप से इस पूरे घटना में, पंच पगना में, ऐसा कई चीजें हम देखते हैं, अलग अलग चीजें देखते हैं। ठीक है, प्रेम है, प्रेम के बाद मृत्यु तक पहुंच जाना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े सवाल खड़ा करती है, और ये बात लोगों के मन में है कि आखिर वो अंतिम व्यक्ति जो खां है वो कब पकड़े जाएंगे। अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात आई थी कि लड़की का मौत कमर बेल्ट से दबाने या गला दबाने से हुई थी, ये बात पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात सामने आई, लेकिन रिपोर्ट में अभी तक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई कि उस मासूम की हत्या आखिर किस कारणों से हुई, वो कारण कौन सा था, किस वजह से उसकी मृत्यु हुई, अभी तक तो केवल अंदाजा से बात हो पा रहा है, लेकिन अल्टीमेट अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आ पाई, ये बहुत सारे सवाल कहीं ना कहीं लोगों के मन में है। और ये भी लोग चाह रहे हैं कि ये जो एक फरार व्यक्ति अभी तक नहीं पहुंच पाया है, नहीं पकड़ी गई है, नहीं कहीं ना कहीं पुलिस के जत्थे से दूर है, तो लोग बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर वो कब तक पकड़ा जाएगा। अब आपको बताते हैं कि पिछले 7 तारीख को वो लड़की लापता हो गई थी, और गुमशुदगी की, लापता होने की एक गुमशुदगी जो है थाना परिसर में, थाना के अंदर में दर्ज कराया गया था, लेकिन वो सपना कुमारी की मृत्यु जब हुई तो इसके बारे में जो घटना आपको बताया गया, 10 तारीख को उस लड़की की लाश एक तालाब से मिलता है, और तालाब से मिलने के बाद उस लड़की का जो शव है दुर्गंध आ रही होती है, और उसके बाद जिस वक्त उस लड़के को कहीं ना कहीं प्रेम का प्रसंग था, और प्रेम का प्रसंग होने की वजह से उस लड़के को बुलाया जाता है थाना परिसर के अंदर में, और लगातार उसको पूछताछ की जाती है, लेकिन
पूछताछ में किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिलने की वजह से उसको छोड़ दिया जाता है, उस लड़के को छोड़ दिया जाता है। लेकिन जैसे ही 10 तारीख को वो लाश मिलती है, उस लड़के के बारे में जब खोजबीन होती तो वो फरार बताया जाता है, वो लड़का चंगुल से दूर बताया जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि उस लड़की की मृत्यु जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि उस लड़की की मृत्यु हुई थी और उसके बाद काफ़ी देर के बाद ये चारों पांचों छः जितने सारे लोग अपराधी थे, ये सारे लोग लगभग 12-1 बजे की रात जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात आई थी उसको पकड़ करके ले जाया जाता है और तालाब में फेंक दिया जाता है। वो लोग इस सोच के साथ तालाब में शायद फेंक दिए होते हैं कि शायद वो बॉडी कभी उठेगी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर वाले का एक कहते हैं ना, जब ऊपर वाला जब करामात करते हैं तो सबके छक्के छूट जाते हैं, वो लाश निकली और अल्टीमेटली उस मासूम की हत्या करने वाले अपराधियों को सामने लाया गया और आज वो सारे के सारे अपराधी केवल एक को छोड़कर, तूफान खान को छोड़कर सारे के सारे अपराधी पकड़े जा चुके हैं। अब इंसाफ जरूर मिलेगा, उस मासूम को इंसाफ जरूर मिलेगा, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के अंदर में एक बात जरूर है, हम कहना चाहेंगे कि ये जो कंप्लीट घटना थी, इस पूरे घटनाक्रम के अंदर में पूरे क्षेत्र के लोग, पूरे पंचपगना के लोग, पूरे तमाड़ के लोग, जनप्रतिनिधि, समाज के सचेतकों का बहुत बड़ा रोल था। इन सब के जागने की वजह से ये जो मासूम की हत्या जो हुई थी उसको आप इंसाफ मिल पाएगा, शायद उनकी ज़िंदगी में या उनके लाइफ में जो उसके साथ घटना घटी उसकी आत्मा अब शांत होगी, लेकिन अभी भी एक अपराधी पहुंच से दूर है। इस प्रकार ये पूरे घटना को लेकर के निश्चित रूप से पूरे पंचपगना के लोग, पूरे तमाड़ प्रखंड के लोगों का एक अलग ही प्रकार का जो है प्रश्न है और लोग कहीं ना कहीं ऐसे घटनाओं से काफ़ी त्रस्त रहे हैं, काफ़ी कह सकते हैं कि लोग परेशान से थे और आज ये वक्त है कि उस लड़की को जरूर मृत्यु के बाद इंसाफ मिलेगी। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मैं जगतपाल, न्यूज़ स्टॉप इंडिया, पंचपगना। फिलहाल के लिए इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ स्टॉप इंडिया के साथ। नमस्कार।